Hey guys, so welcome back to my channel. I'm Chelsea, your friend. What's your name? Comment me down. Okay, so after long time, okay, exams over होने के बाद फिर से हम आए हैं और you know कि सब exams वगैरह चल रहे थे और तो हम भी busy थे पढ़ाई में and all. Okay, so finally अभी free हो गए हैं. अभी क्या है कि आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही लाइक कुछ 8 बजे के करीब ही तो 8 बजे के करीब मेरे को मेरे फाइनली 15 से 20 दिन हो गए हैं. 15 से 20 दिनों के बाद मुझे पार्सल रिसीव हुए हैं. लाइक एक्चुअली क्या हुआ था इस बार, मतलब बहुत अजीब सा कुछ हुआ मेरे साथ. सबसे पहले मैंने ये जो डेनिम, मैंने एक तो डेनिम की जींस मंगाई है जो कि कॉम्बो में चल रही थी, कॉम्बो ऑफर में चल रही थी, और एक मैंने कोरियन टॉप मंगाया है. सो मैं आपको अभी दिखाऊंगी. तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने डेनिम की जो जींस ऑर्डर की थी, मैंने कब से ऑर्डर कर ली थी है ना, तो फर्स्ट डे सेकेंड डे यूजुअली क्या होता है कि मतलब है ना 1 से 2 दिन लगते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन लगते हैं. इससे ज़्यादा मतलब कोई भी पार्सल इतना टाइम नहीं लेता आने में. बहुत जल्दी मुझे सारे पार्सल्स रिसीव हो जाते हैं, 3 से 4 दिन में हो जाते हैं. तो मतलब कहीं से भी आ रहा हो 3 से 4 दिन में आ ही जाता है. ठीक है, ओके, फिर अपन मानते हैं कि चलो ठीक है, फिर भी हम लाइक वेट करते हैं 5 से 6 दिन तक. उसके बाद भी फिर वो चीज़ नहीं आती है तो फिर बहुत अजीब लगता है कि क्या हुआ. पर मेरे साथ मतलब इस बार पता नहीं क्या अजीब ही हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे शेयर करूं. एक्चुअली मैंने ये दोनों जींस ऑर्डर की थी, उसके बाद मैंने 4-5 दिन वेट किया तो लाइक वो उसमें जो ट्रैकिंग होती है तो ट्रैकिंग बराबर चल रही थी, तो मैंने कहा कि ओके वो आ जाएगी. तो मैं वेट कर रही थी, मेरे को 5 दिन हो गए, फिर 6 दिन हो गए, आया ही नहीं. ठीक है, फिर फाइनली 6 दिन जब हुए तो उसके बाद मेरे को लाइक शाम को मैसेज आता है कि ओके आपका पार्सल यहाँ पहुँच गया है, मतलब यहाँ पहुँच गया है और ऑर्डर कर देंगे, मतलब सॉरी डिलीवर कर देंगे है ना, ऐसे करके. ओके, मैंने कहा कि चलो अच्छा है फाइनली आया, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई. मैंने कहा ओह माय गॉड फाइनली आ गया, इतनी इंतज़ार के बाद बहुत एक्साइटमेंट रहती है मुझे. तो ओके, उसके बाद क्या हुआ कि यार मैंने अगले दिन देखा, मैंने कहा आएगा, आया ही नहीं. फिर अगले दिन किया, कहा क्या हुआ, फिर मैंने वापस ट्रैकिंग चेक किया तो उसमें भाई साहब बता रहे हैं कि आपका ऑर्डर तो रिटर्न हो गया. मेरे पास तो आया ही नहीं, मुझे तो फ़ोन ही नहीं आया, और रिटर्न कैसे हो गया. मैं बहुत कंफ्यूज हो गई. फिर मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन किया, हेल्पलाइन को फ़ोन किया, फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि कैसे क्या है ये, क्या हो गया, मेरे पास तो कॉल भी नहीं आया, मुझे तो रिसीव भी नहीं हुआ, रिटर्न कैसे हो गया. तो बोलते कि मैम कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है फलाना एंड ऑल. ठीक है, हो गई है तो मेरा पार्सल कहाँ है. तो बोलते कि वो तो मैम रिटर्न हो गया. तो मैंने कहा कि मैंने तो इसको ऑर्डर कर रखा है, इसका क्या. तो बोले मैम आपको फिर से ऑर्डर करना पड़ेगा. मेरा इंतज़ार, मेरा 7 दिन का इंतज़ार ऐसे ही चला गया. मैंने कहा ठीक है ओके, जैसे तैसे. फिर मेरी उम्मीद ही लाइक ऐसा हो गया था कि मैं कहा नहीं रे यार ठीक है नहीं आना तो नहीं, मेरा मंगाने का मूड ही खत्म हो गया. मैं कहा नहीं अब मैं नहीं मंगाऊँ. फिर मैं मम्मी ने कहा क्या हुआ, तूने पार्सल मंगाया था आया नहीं. फिर मैंने मम्मी को सारी लाइक बात बताई कि मम्मी ऐसी ऐसी चीज़ हुई थी. फिर मम्मी ने बोला कोई बात नहीं हो जाता है, मतलब ऑब्वियसली वो भी तो इंसान ही है, उनसे गलतियाँ हो ही जाती है. इतना लाइक कितना सारा ऑर्डर आता होगा तो तू सोच के देख लाइक. तो मैंने कहा कि हाँ यार बात तो सही है मम्मी की. तो मैंने कहा ठीक है ओके. तो मम्मी ने कहा वापस ऑर्डर कर दे. तो फिर मैंने अपनी मम्मी के फ़ोन से ही ऑर्डर कर दिया. मैंने कहा अब इस बार मैं आपके फ़ोन से ऑर्डर कर देती हूँ. तो फिर मैंने उससे ऑर्डर कर दिया. फिर वो मेरे को लाइक फिर वापस मैंने उसकी ट्रैकिंग देखना स्टार्ट किया. मैंने कहा कि ठीक है अभी सही से ट्रैक हो रहा है नहीं हो रहा, कहाँ पहुँचा है कहाँ नहीं पहुँचा है ना. ठीक है, तो वो आ रहा था, सही चल रहा था. फिर इसी बीच में मैं स्क्रॉल डाउन करते करते यू नो व्हाट, आदत से मजबूर होती है लड़कियां शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो हूँ. मेरा ये होता है कि मैं ना जब भी फ्री टाइम होता है ना, मेरा लाइक ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल पे गेम खेल रहे हो,
ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल पे गेम खेल रहे हो, टीवी देख रहे हो या फिर समथिंग और कुछ वीडियोस वगैरह, यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये नहीं होता भाई साहब। हम ना स्क्रोल करते हैं, स्क्रोल, और अपनी विश लिस्ट को बढ़ाते जाते हैं कि यार ये भी लेना है, यार यार ये भी लेना है, यार यार ये भी लेना है, यार ऐसे विश लिस्ट को हम बढ़ाते जाते हैं और उनको प्रोडक्ट्स को लाइक करते जाते हैं। सारी वेबसाइटें फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सब में भाई साहब हम खोल खोल के ये कपड़ा चाहिए भाई, ये कपड़ा लेंगे अपन, अपन वहाँ जाएंगे ना तब ये पहनेंगे, ऐसा तब ये लेंगे, ऐसे करके ना बहुत है, मेरी विश लिस्ट बहुत लंबी है। ओके, उन सबको छोड़ो, फिलहाल हमने जो ऑर्डर किया है वो हम देखते हैं। ओके, सो मैंने डेनिम की दो, लाइक प्लाजो वाली डेनिम, सॉरी डेनिम प्लाजो मैंने ऑर्डर किया है ना, तो दो आ रही थी कॉम्बो में, मुझे तो एक ही चाहिए थी भाई साहब। तो कुछ टाइम से मेरी सिस्टर भी मेरे साथ में ही है, तो मैंने सोचा कि वाह यार ठीक है फिर तो कॉम्बो में ही मंगा लेते हैं, और मुझे सही रेट में पड़ रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने शोरूम देखिए, ये ब्लू कलर में है, हाँ डेनिम प्लाजो है ना, मेरे को ये है ना 394 में पड़ी है ना, और मेरे को डिलीवरी चार्ज मतलब नहीं लगता है, अगर आप मंगाएंगे तो शायद आपको डिलीवरी चार्ज लगेगा, क्योंकि मैं रेगुलर कस्टमर हूँ तो उस हिसाब से शायद मुझे डिस्काउंट मिलता है ना, तो मेरे को तो डिलीवरी चार्ज नहीं लगा है ना, मेरे को 394 में पड़ा है। ओके, सो मेरे को दो कलर थे, एक लाइट कलर था और एक डार्क कलर था। ओके, तो ये तो लाइट कलर था जो कि मुझे, ओह माय गॉड, मेरे पास लाइट कलर थे ही नहीं, तो मुझे ये बहुत पसंद आया, लाइक दिस इज सो क्यूट, बहुत सही कलर है। और ये डार्क कलर आया है, बहुत आ सेम है ना, दोनों ही सेम ही है, मैं आपको एक ओपन करके दिखा दूँ, इस तरीके से है, लाइक नीचे से एकदम घघरी घघरी टाइप होता है ना प्लाजो टाइप, इस तरीके से, और ऊपर इसके इस तरीके से है। अभी ना सनलाइट आ रही है ना, तो आई थिंक ढंग से वो इस पे ना बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है, तो वो ढंग से नहीं दिख पाएगा। और ये भी चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ। सो फाइनली मेरे को ये लाइट कलर बहुत पसंद आया, तो फिर हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ ओके ये लाइट कलर है, सो ये वाला मैं रखूंगी और डार्क वाला मेरी सिस्टर रखेंगे, क्योंकि उनके पास डार्क कलर नहीं, लाइक उनके पास डार्क कलर नहीं अवेलेबल है ज़्यादा, और मेरे पास लाइट कलर नहीं अवेलेबल है, सो हम लोगों ने ऐसे करके रख लिया। ओके, उसके बाद बात आती है, ये बहुत सही आया है ना, क्वालिटी वाइज भी बहुत सही है, डेनिम वाला पूरा लुक है, बहुत कंफर्टेबल है, और ऑब्वियसली यार देखो 200-200 रुपये में तो कुछ नहीं मिलता आज के ज़माने में है ना, जैसे आप अगर कहीं बाहर भी अगर लेके जाते हो और आपका बजट अगर 500 रुपये होता है ना, तो 500 रुपये में या तो आपको ऊपर का टॉप मिलेगा या फिर नीचे जींस मिलेगी है ना, लेकिन एक मेशो एक लोता है ये सब प्लेटफॉर्म में जहाँ पे क्या है कि हम लोगों को अवेलेबल होता है, ठीक है, वो भी लाइक चीपेस्ट प्राइस में अवेलेबल होता है, वहाँ पे हम 500 रुपये में टॉप और जींस दोनों ही बाय कर सकते हैं ना, तो ये मुझे लाइक यूज़र फ्रेंडली भी, मतलब यूज़र फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली दोनों ही अच्छा लाइक दोनों ही लगता है, क्योंकि देखो यूज़र फ्रेंडली इसलिए क्योंकि देखो क्या होता है ना कि कितनी बार हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती, हम मंगाते तो बहुत ज़्यादा पतली आ जाती है, लाइक कपड़ा बहुत पतला आ जाता है, या फिर हमें कलर पसंद नहीं आता, तो है ना हैंड टू हैंड ये मतलब रिटर्न कर देता है, मेरे साथ कभी भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे पैसे वापस रिटर्न ना आए, मुझे हमेशा पैसे, मैं जब भी इनको वापस रिटर्न करती हूँ मुझे हमेशा पैसे एक या दो दिन में वापस लौटा दिए जाते हैं, मेरे अकाउंट में आ जाते हैं फिर से पैसे, तो ये ना बहुत लाइक बहुत सही चीज़ है कि भाई पैसे अपन को वापस मिल जाते हैं, और वो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम वो जो प्रोडक्ट जैसा हमें आया है वैसा ही हम वापस उनको दें, है ना, यूँ नहीं कि भाई साहब आपने ख़राब कर दिया या फिर चेंज कर दिया या फिर ऐसा, तो फिर आपके पैसे रिटर्न नहीं होंगे, ऑब्वियसली बात है ना। लेकिन हाँ बहुत सही लगा मुझे ये दोनों जींस, बहुत अच्छी लगी, सॉरी प्लाजो बहुत अच्छे लगे, दोनों ही प्लाजो बहुत अच्छे आए हैं, और कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है और बहुत कम्फर्टेबल है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कोरियन टॉप की। ओके, सो और ये वाला तो इसका है,
ये मैंने वाइट कलर में मंगाया है, ये मेरे को 342 का पड़ा है ना। ये फुल लेंथ है, जैसे फुल लेंथ टी शर्ट है, मुझे फुल लेंथ तो मिलते नहीं है। एक्चुअली बताया क्या, इसके साथ भी मेरी एक दिक्कत हो गई थी। मैंने सोचा था कि यार ठीक है, अपन को पसंद आएगा तो अपन रख लेंगे। मैंने कभी कोरियन टॉप ट्राई ही नहीं किया, तो मैंने सोचा कि अपने पास लाइक ठीक है, अपन को पसंद आएगा तो अपन ट्राई कर लेंगे, नहीं तो फिर अपन रिटर्न कर देंगे ऑब्वियसली। तो क्या है कि मुझे ना ऐसे लाइक फुल स्लीव, जहाँ पे मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे सल वगैरह रहता है, तो है ना अच्छे लगते हैं ऐसे पहनो तो। लेकिन भाई साहब हम लंबे इतने हैं कि कोई भी चीज़ फुल हमारे आती ही नहीं है। मैंने इसको फुल साइज़ में मतलब ऑर्डर किया है मैंने इसको, उसके बावजूद भी मेरे जो स्लीव है वो सिर्फ इतनी ही आ रही है, पूरी स्लीव नहीं आ रही है। तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि यार वो पूरा होता तो थोड़ा बहुत ज़्यादा लाइक फ़र्क पड़ता मेरे को। मुझे ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशंस मेरी थोड़ी सी ओके। और उसके बाद मैंने इसको है ना घुटने तक मंगाया था, लाइक मुझे लगा था कि ये मेरे घुटने तक आ जाएगी, तो घुटने से हल्का सा ऊपर तक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेरे से अगर कोई कम हाइट की अगर होगी लड़की, या फिर मेरी सिस्टर कोई आप ले लो, अगर ये पहनेगी तो ऑब्वियसली इसकी लाइक घुटने तक आ जाएगा। तो लंबा होने का लाइक नुकसान भी है कि आपके चीज़ें फुल नहीं आती है, बट ओके विद इट हम मैनेज कर लेते हैं। हम उसको पूरा ऐसे सरका के बिल्कुल यहाँ तक पहनेंगे, कोई बात नहीं। तो ये वाली मैंने ट्राई की थी, लाइक ये दोनों ही हम लोगों ने ट्राई की थी, तो मैं उसकी पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूँगी। और आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिएगा, और वहाँ पे आपको पोस्ट वगैरह मिल जाएगी, हाँ स्टोरीज वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं और शेयर कर दूँगी, मैं आगे शेयर कर दूँगी पिक्चर्स भी, और आपने थंबनेल में देखा भी होगा। तो ठीक है, मुझे अच्छी लगी। ओके, ये कोरियन जो टॉप मैंने मंगाया है, ये वाइट कलर में, एक्चुअली मुझे लाइट कलर ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आई लव वाइट कलर मेरा फेवरेट है सीरियस। ये जो स्लीव है ये थोड़ी सी मेरे को छोटी पड़ी है, वैसे ये इनकी तरफ से उन्होंने दिया है, जितना ये दे सकते हैं। यूजुअली अगर कोई मतलब किसी के छोटे हाथ होते तो यहाँ तक तो आ ही जाता, लेकिन भाई साहब मेरे तो बिल्कुल ही यहाँ आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। लाइक आस्तीनों का थोड़ा चक्कर है, बाकी तो ठीक है, ये पूरा लाइक लेंथ वगैरह भी ठीक है, ओके आई मैनेज, मुझे अच्छा लगा ये। तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार, मतलब इसको रिटर्न नहीं कर सकते, ये बहुत सॉफ्ट कपड़ा है और बहुत कम्फर्टेबल है, और इसको रेनी सीजन में और समर सीज़न में हम लोग पहन सकते हैं, तो यू नो हाँ। तो मैंने कहा कि रख लेते हैं यार, ओके। तो फिर फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि हम इसको रख लेंगे, और मुझे अच्छा लगा ये। और मैं और भी आगे ऑर्डर करूँगी इसी टाइप के टॉप। मुझे ना मतलब फुल लेंथ की चीज़ें बहुत पसंद है, प्लीज़ मुझे कोई सजेस्ट करना अगर किसी के पास भी लाइक ऐसा। मैंने ना बहुत सारी वेबसाइट्स में सर्च भी किया है, मुझे ना पूरा लाइक एंकल लेंथ तक ऐसा लंबा टॉप चाहिए रहता है। मुझे ऐसे कपड़े बहुत पसंद है, लेकिन मुझे मिलते ही नहीं है, और मिलते हैं अगर मिलते भी है तो ये इस तरीके से होता है मेरे साथ, इतने इतने ही आते हैं, पूरा एंकल लेंथ आता ही नहीं है। तो मुझे ना मतलब ऐसे कपड़े अगर हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना, किसी भी अगर वेबसाइट पे अवेलेबल हो तो मुझे सजेस्ट करना प्लीज़। और आपका मीशो से शॉपिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मुझे शेयर कीजिएगा आप। और आपको ये टॉप और ये दोनों डेनिम की जो मैंने प्लाजो मंगाई है ये कैसी लगी वो मुझे शेयर करना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। और अगर कुछ भी लाइक आपको लगे या फिर आपका एक्सपीरियंस कुछ भी हो किसी भी चीज़ को लेके, तो आप मुझे प्लीज़ शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता लगे। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई रिव्यू चाहिए हो तो वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपने मंगाया तो आपका रिव्यू कैसा रहा और एक्सपीरियंस कैसा है, कौन सी वेबसाइट से कौन सा एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस है, कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।